हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रोमन इंस्टीट्यूट में। आज की ये वीडियो 12th क्लास केमिस्ट्री की वीडियो है। इससे पहले हमने एक फिजिक्स की वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि फिजिक्स में चार्ट बनाने का महत्व क्या है, और चार्ट के लिए यानी पूरी फिजिक्स से मैंने 10 टॉपिक दिए थे चार्ट बनाने के लिए। तो आपने उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट किया कि सर एक तो ये बता दीजिए कि हमारा ट्रांसफार्मर बनाया तो ट्रांसफार्मर से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, कि हमने व्हीटस्टोन सेतु बनाया है, कि हमने साइक्लोडॉक्ट्रॉन बनाया है, तो इनका क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे बायवा के लिए। तो मैं एक एक टॉपिक के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। फिर उसके बाद में आया था सर ऐसी तरीके से आप केमिस्ट्री के टॉपिक भी हमारे लिए सजेस्ट कर दो। मैंने फिजिक्स में वो टॉपिक दिए थे जो आपके बोर्ड के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए आज मैंने ये टॉपिक छांटे हैं आपके। 10 की बजाय मैंने 11 कर दिए हैं, और ये याद रखना ये 11 टॉपिक वो हैं कि इनमें से एक या दो टॉपिक तो आपके बोर्ड एग्जाम 2021 में डेफिनेटली मिलेंगे। जिस दिन पेपर हो उस दिन देख लेना, और आज की इस वीडियो को आप सेव करके रख लेना, तब बताना इनमें से डेफिनेटली आपको या तो रिएक्शन मिलेगी करने के लिए, या आपका हूबहू सचित्र वर्णन। ओवरऑल बात यह, इनमें से एटलीस्ट दो क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड में मिलेंगे जोंका त्यों, इसलिए इन टॉपिकों में से ही अपना चार्ट बनाना। दूसरी बात, चार्ट बनाने का क्या महत्व है? देखो, चार्ट का मैं पहले ही बता चुका हूं, एक बार फिर से बता दे रहा हूं। जैसे कि आपके पास चार्ट नहीं बनाया तो एग्जामिनर ने प्रैक्टिकल लिया, मुक्त मूलक वगैरह आते हैं, टाइटेशन वगैरह आते हैं, तो वो कुछ भी पूछ लेगा, हाँ भाई अब ये बता कि एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, ये विधि सचित्र इसका जो विधि का प्रयोगशाला विधि का समीकरण बता किस तरीके से बनाई जाती है। अब उसके दिमाग में आ गया कि फार्मेल्डिहाइड बता, फार्मिक अम्ल बता, ठीक है। तो आपके क्या है कि उसका दिमाग में कुछ भी आ जाए, कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन जब आप चार्ट बना के ले जाओगे, सपोज दैट क्या चार्ट में ले गए आप फिनॉल बनाने की विधि का यानी कि चित्र बना के ले गए, या आप डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि का चित्र बनाकर ले गए, तो एग्जामिनर के हाथ में दे दिया कि सर ये हम चित्र बना के लेकर आए, तो एग्जामिनर फिर आपसे अलग का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, उसी चार्ट में से पूछेगा। अब भाई जिस चार्ट को आप बना के ले जाओगे तो उसमें सिंपल सी बात है, याद करके भी ले जाओगे तो आपको उत्तर बताना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। इससे आपके क्या है प्रैक्टिकल में नंबर बढ़ने के चांसेस और एग्जामिनर पर एक अलग इफेक्ट पड़ने का चांसेस बढ़ जाते हैं। आप हाथ हिला के चले जाओ तो वो आपको डांट लगा देगा पहले ही कि भाई चार्ट वार्ट भी ने बना के लेकर आया तो वैसा है। फिर वो कुछ भी पूछ सकता है, उसके दिमाग में कुछ भी थॉट्स आ जाए, क्या ये पूछ ले वो पूछ ले, लेकिन जब चार्ट दिखा दोगे आप तो वो चार्ट से रिलेटेड ही पूछेगा कि हाँ भाई ये चार्ट में जितने बनाया ये क्या चीज़ है, कि ये कैसे बनाई जाती है, ये कहाँ पर यूज होता है, ये वगैरह वगैरह। तो आपका वो चार्ट में जिस टॉपिक को आप बना के ले जाओगे चार्ट में, तो वो तो आप ढंग से याद करके भी ले जाओगे, पहले याद करोगे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी लर्न करके ले जाओगे, लेकिन जब हाथ हिला के जाओगे तो पूछ ले कभी एथिलेमिन के दो उपयोग बता, एथिलेमिन के दो रासायनिक गुण बता, तो इस तरीके से। तो इनमें ये जो टॉपिक दिए हैं इनमें आपको क्या क्या करके ले जाना है, ये इनमें से जैसे कि अमोनिया बनाने की विधि का चित्र, विधि का मतलब प्रयोगशाला विधि या कोई भी एक चित्र बना कर ले जाना है, या नाइट्रिक अम्ल का, या सल्फ्यूरिक अम्ल का, या क्लोरीन गैस का, या फिनॉल, डाइएथिल ईथर, एसीटाल्डिहाइड, एसीटोन, एथिलेमीन, मेथिल एल्कोहल, या फार्मिक अम्ल, इनका किसी का भी प्रयोगशाला विधि बनाने का चित्र बना कर ले जाना। उसके साथ में याद क्या करना है, किसने बनाई, कब खोज हुई, इसकी प्रयोगशाला विधि का समीकरण, दो चार इसके रासायनिक गुण, दो चार इसके भौतिक गुण, इसके उपयोग, और साथ में कभी पूछ लेगा हाँ भाई बता फिनॉल में हम यानी कि कोई भी अम्ल मिला देंगे तो क्या होगा, इसमें क्षार मिला देंगे तो क्या होगा, इस तरीके की कुछ रिएक्शन होती हैं आपके यानी कि रासायनिक गुण में, तो वो वाली रिएक्शंस भी आप याद करके जाना। तो ओवरऑल बात यह है कि एकदम पूरी तरह से निचोड़ के ले जाना, तो आपका एग्जामिनर कुछ भी पूछे आप तुरंत आप उत्तर बता पाओगे और उस पर एक अलग इंप्रेशन जमा पाओगे, राइट। यदि आप बिना चित्र नहीं बनाओगे तो आपके लिए दिक्कतें होंगी, परेशानी होंगी, यानी कि वो कुछ भी पूछ ले। अब मान लीजिए आप मेरे पास आ जाओ, अब मैं ही एग्जामिनर हूँ, तो मैं बोला अच्छा चित्र नहीं बना के लेगा, एक तो पहले नेगेटिव प्रभाव पड़ गया आपका, ठीक है। फिर मैं सोचूंगा यार इसके क्या पूछूं, कुछ भी जो मेरे दिमाग में आ जाए, कहाँ भाई बता कि द्रव्य स्नेह कोलाइड के चार उपयोग बता है, तो क्या रक्षण कोलाइड क्या है, जिलेटिन की रक्षण संख्या बता, इस तरीके से कुछ भी पूछ सकता हूँ ना मैं। आप सोच रहे होंगे यार इसने तो क्या पूछ लिया, या कोई बनाने की विधि में ऐसी पूछ ले कि फार्मिक अम्ल के दो रासायनिक गुण बताओ, तो आपका दिमाग चकरा जाएगा एकदम कि यार पता ना कहाँ कहाँ से आ गया। लेकिन जब आप चार्ट बना के ले जाओगे तो सिंपल सा लॉजिक है, आप एग्जामिनर चार्ट से पूछेगा, मैं एग्जामिनर हूँ, आप मेरे सामने चार्ट दोगे तो मैं यही कहूँगा हाँ भाई ये तू चार्ट बना के लेकर आया, चलिए बताइए क्या चीज़ है इस चार्ट में, तो आप बता दोगे
बताइए कैसे बनाया जाता है, इसके दो रासायनिक गुण बता, चल इसका ये बता दैनिक जीवन में यूज कहाँ है, चल इसका ये बता कि इसकी क्रिया इसके साथ कर देंगे तो क्या होगा, तो उसको आप ढंग से याद करके ले जाना, राइट। तो आई होप के मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अब दूसरी वीडियो इस तरीके की आएंगी, पहले केमिस्ट्री के जितने फिजिक्स के जितने भी टॉपिक बताए थे मैंने, हर टॉपिक के 10-10 क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा बायवा के लिए, लगभग 10-10 प्रश्न काफ़ी हैं हर एक टॉपिक से रिलेटेड, और बाकी मैं बता दूंगा, फिर उससे ही अंदाजा लग जाएगा आपको किस तरीके के एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, ओके। अब बात आती है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के जैसे कोई भी अब एनी टॉपिक से रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ, केमिस्ट्री में ज़्यादा आपका नहीं बनता है, क्या है कि जैसे कि नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि आपने बना के ले गए तो उसका समीकरण याद कर लें, किसने बनाया, कब खोज हुई, मतलब कब बनाया गया ये यौगिक, और फिर उसके बाद इसके दो रासायनिक, दो चार रासायनिक गुण, दो चार भौतिक गुण, इसके उपयोग, किसका ये बता के इसकी इससे क्रिया करेंगे तो क्या होगा, इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा, तो इससे रिलेटेड सारी चीज़ आप लर्न कर लेना। और फिर भी मेरे को बताना, पहले मैं फिजिक्स के दे दूँ आपको टॉपिक बाई टॉपिक क्वेश्चन, फिर बता देना मैं इनके भी दे दूंगा, ओके। और इनके प्रैक्टिकल्स भी मैं बता दूँ, प्रैक्टिकल्स आपको करके दिखा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको लैब में भी करके दिखा दूंगा, चिंता मत करो, क्योंकि लैब में मैं चला जाऊंगा किसी दिन, वीडियो बना दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं जिस स्कूल में पढ़ाया था तो वहाँ की लैब मेरे ही अंडर में थी, तो मैं वहाँ पर आपको बता सकता हूँ, ओके। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मिलते हैं एक खुश अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय।